स्प्लैंड बुलियन में ऐड किया। ओके ये ऐड हो गया। फिर इसके में ये दोनों बॉक्सेस को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसके अंदर एक और चीज दिखाने वाला हूँ कि जैसे कि अगर मैंने इसको कर दिया, यहाँ पर चलते हैं हम लोग मॉडिफायर पैनल में। अभी ये दोनों है मर्ज, ये भी मर्ज है, ओके ठीक है। अगर मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ कि नहीं, इसको हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने रेक्टेंगल्स, ये फर्स्ट रेक्टेंगल सिलेक्ट किया, रेक्टेंगल यहाँ पर सिलेक्ट किया, इधर भी देखो एक और रेक्टेंगल लिख के आ रहा है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग मूव कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर मुझे इसके ऊपर क्लिक करना चाहिए पहले। तो ये जो ये है क्रॉस, इसके अंदर ऑपरेंड को क्लिक करना है। ऑपरेंड को क्लिक किया तो ऑपरेंड पर क्लिक करने के बाद जो हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करके रखेंगे वो ऑपरेंड सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है या फिर इसको रेक्टेंगल वन, रेक्टेंगल टू को, मेरे को रेक्टेंगल टू लेना है, तो रेक्टेंगल टू को मूव करूंगा इस तरफ। इधर पे आप देखते हो ये किस तरह से हो रहा है, यानी कि अभी मैंने ऑनियन किया। ऑनियन करने से क्या हो रहा है, उधर मर्ज हो रहा है, ओके। अभी मैं अगर यहाँ पर यूज करता हूँ अपना एक्सट्रूड कमांड, तो ये इस तरह से होगा, ओके। तो फिर से चलते हैं हम लोग यहाँ पर। अगर मैं इधर पे यूज करता हूँ इंटरसेक्ट, तो इससे क्या हो रहा है कि सिर्फ जो इसके अंदर बीच में का टेक्स्ट के अंदर बीच में का आ रहा है, जो यानी कि जो बॉक्स के अंदर आ रहा है जितना टेक्स्ट, वही वो शो कर रहा है। तो हम ऑपरेंड से एक एनिमेशन भी बना सकते हैं इससे, जैसे इधर पे मेरा के ऊपर और ये पूरा टेक्स्ट, ओके। अभी मुझे फिर से करते हैं इसको ऐसे। फिर अगर मैं इसको करता हूँ, एक काम करते हैं, अभी हम लोग इसको करते हैं एनिमेट, ठीक है। एनिमेट करने के लिए एक बार इसको लेके चलते हैं, ऑटो की पे करते हैं, ऑटो की ऑन करते हैं, फिर इसको करते हैं ऊपर एक बार, ओके। फिर एक बार एनिमेट करके नीचे लेके आते हैं, ओके। फिर अभी देखते हैं कि क्या होता है, इसको प्ले करते हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, कुछ खास नहीं, ठीक है। अगर मैं अभी इसको क्या करता हूँ, ये वाले पार्ट को करता हूँ मैं इंटरसेक्ट, ओके। अभी मेरा टेक्स्ट गायब हो गया, फिर मैं प्ले करता हूँ, ओके। यानी कि सिर्फ ये लाइन पे नहीं आ रहा है। अगर मैं इस टेक्स पे, इस रेक्टेंगल पे भी करता हूँ वही चीज, तो क्या होती है, अगर ये रेक्टेंगल पे भी मैं करता हूँ इंटरसेक्ट, ओके, और करते हैं प्ले, देखते हैं क्या होता है। नो, कुछ खास इफेक्ट नहीं हो रहा है, ओके ठीक है। तो अभी इसकी जगह पे हम लोग लेते हैं सब्सट्रैक्ट, ये काफी फटाफट हो रहा है, ओके। तो इसको हम लोग और भी स्मूथ कर सकते हैं, या फिर मैं अपने जो टाइम्स है उसको बढ़ा देता हूँ। फिर इसको करता हूँ प्ले, बाकी तो इससे कुछ इतना इफेक्ट नहीं हो रहा है नीचे वाले से। ओके ठीक है, तो इंटरसेक्ट करने पे कुछ खास नहीं हो रहा है, ओके। अगर मैं इसको करता हूँ फील ऑफ, ये काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है।
तो इस तरह से आप एनिमेशन भी बना सकते हो, और जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग स्मूथ भी कर सकते हैं। अभी मैंने इसको इंटरसेक्ट यहाँ से किया, ओके डन। तो मैं इधर पे इसको यहाँ पर इसको चैम्फर भी कर सकता हूँ टेक्स्ट को, और इसको फिलेट भी कर सकता हूँ। मैं इधर फिलेट कर रहा हूँ, और सॉरी मैं गलत जगह पे कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पर नहीं, मेरे को रेक्टेंगल टू पे करना चाहिए। ठीक है, रेक्टेंगल टू इसको काट रहा है तो उसको ही करना चाहिए फिलेट। अभी देखो यहाँ पर ये स्मूथ हो रहा है। ओके, देखो क्या मस्त आ रहा है इफेक्ट। ओके, इसको प्ले करके देखते हैं। अगर मैं टेक्स्ट को खींच सकता हूँ क्या? टेक्स्ट को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, हम लोग टेक्स्ट को मॉडिफाई करके देखते हैं, टेक्स्ट को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं क्या नहीं। टेक्स्ट को भी हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। टेक्स्ट को अंदर जाके, टेक्स्ट के अंदर आ गए, टेक्स्ट का अगर मुझे बनाना है साइज, साइज को हम लोग यहाँ से बना सकते हैं इस तरह से। इससे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो मुझे क्या करना चाहिए? नो, तो हम लोग इसको स्ट्रेच कर सकते हैं ऐसे। ओके, तो अभी आपको ये समझ आ गया, जैसे कि अगर मेरे को इसको भी, अगर इसको भी एनिमेट करना होता तो इसको भी एनिमेट कर सकते थे। हाँ, इसको भी एनिमेट कर सकते थे, इसको भी हम लोग चाहे तो इसके अंदर भी। मैं इसको करता हूँ सब्सट्रैक्ट, इंटरसेक्ट हो गया सब्सट्रैक्ट, इसको भी ऐसे एनिमेट कर सकते हैं। इसको मैंने चैम्फर किया था, इसको मैं कर सकता हूँ यहाँ पर नीचे की तरफ चल के। इसको करते हैं हम लोग फिलेट, इसका भी हम लोग करते हैं, बढ़ाते हैं इसका स्मूथनेस, तो काफी बेहतरीन इफेक्ट आ जाएगा। ओके, हम लोग ऐसे एनिमेट भी कर सकते हैं इसको। ओके, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, तो आपको समझ आ गया कि हम लोग कैसे एसपी बुलियन को यूज करते हैं, और कहाँ पर यूज किया जाता है, और कहाँ कहाँ, अभी आप खुद ही सोच सकते हो कि आप लोग कहाँ पर इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान सके हम लोग स्प्लाइन बुलियन का कहाँ पर यूज कर सकते हैं, स्प्लाइन बुलियन एंड शेप बुलियन का हम लोग कहाँ पर यूज कर सकते हैं। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो आप लोग, तो फिर मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।